हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी जूम। फ्रेंड्स, अभी मैं अपने चैनल में चला रही हूँ टी सीरीज, और इस सीरीज में मैं वैसे वीडियो डाल रही हूँ जिसमें मैं आपको अलग अलग टी के रिव्यू दूं जो कि हेल्दी भी हो और आपको उसका टेस्ट भी बहुत ही पसंद आए, जिससे कि आप उसे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर सके। ठंड और चाय का जो रिश्ता है वो काफी पुराना है, इसलिए ये सीरीज मैं इसी सीजन में चला रही हूँ। और इससे पहले भी मैंने अभी दो वीडियो डाले हैं टी के रिव्यू के, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आज जिस टी का मैं रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है ऑर्गेनिक इंडिया का तुलसी मुलेठी टी। ये टी स्पेशली स्ट्रेस रिलीविंग एंड सूदिंग टी है। और क्या होता है, अभी थोड़ा वर्क का लोड ज़्यादा हो जाता है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, क्रिसमस ख़त्म हुआ है, न्यू ईयर आने वाला है, और आपके पास काम बहुत हो जा रहे हैं और आपका मन नहीं होता है काम करने का, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो उस टाइम ये टी पीजिए, इससे बिल्कुल स्ट्रेस आपका गायब हो जाएगा। स्पेशली उसी के लिए ये टी बनाया गया है। और तुलसी और मुलेठी का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, उसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ। तो आप देख रहे हो इसकी पैकेजिंग बहुत ही अट्रैक्टिव है, कलर बहुत ही प्यारा है इसका, मुझे ये कलर बहुत पसंद आया। और इसे ओपन करने से सारे टी बैग्स मिल जाएंगे, जो कि ऑर्गेनिक इंडिया के हर चाय में ऐसी टी बैग्स आपको मिल जाते हैं। टी बैग्स भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, आप देख रहे हो। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब ये मुझे मिला तो। और इसमें आपको मिलते हैं 25 बैग्स। तो अब मैं सबसे पहले इसे बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि इसे बनाने में लगता है 3 से 5 मिनट का टाइम, और हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम वीडियो को उतना लंबा करें। तो सबसे पहले इसे बनाते हैं और उसके बाद मैं इसकी सारी डिटेल आपको बताती हूँ। तो इस बैग को ओपन करना भी बहुत ही आसान है, और साथ ही जैसा कि इसे ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं, ऑफिस ले जा सकते हैं आप, ऑफिस में ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो इस टी को आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। इस तरह से टी बैग आपको मिल जाएगा। साथ ही मेरे पास है यहाँ पर गर्म पानी, जिसमें मैं इसे डिप करके रख देती हूँ, और फिर मैं आपको इसकी और डिटेल बताती हूँ जब तक ये रेडी हो जाएगा। तो इसे कैसे बनाया जाए, इसका डायरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको ये भी देखकर समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे झंझट का काम नहीं है, बस गर्म पानी में इसे डिप करना है टी बैग को, और 3 से 5 मिनट के अंदर ये आराम से तैयार हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके कॉस्ट की। तो ये 148 यानी 148 रुपीज़ का है, और इसकी सेल्फ लाइफ 2 साल की है। साथ ही इसमें आपको 22 टी बैग्स मिल जाएंगे। कैफिन फ्री है ये, तो ये बहुत ही हेल्दी टी है, क्योंकि इसमें कैफिन नहीं है। और इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें हम लोग, तो इसमें है रामा तुलसी, कृष्णा तुलसी, वाना तुलसी, मुलेठी, पिपरमिंट। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इसके बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है आपको। ये अगर आप ठंड में ये चाय पीते हैं तो कफ कोल्ड को भी ये कम कर देता है, उससे लड़ने की इसमें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, जिससे कि कफ कोल्ड से ये लड़ सके और कफ कोल्ड आपको कम होता है। साथ ही आपके मूड को अच्छा करता है, स्ट्रेस को कम करता है, और स्टेमिना को बढ़ाता है, डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है। तो बहुत ही अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है ये, तो ये चाय आप ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेल्थ बेनिफिट के लिए आप इस टी को 2 से 3 टाइम ले डेली, और उससे ज़्यादा भी आप इसे ले सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रांग फ्लेवर पसंद है, या फिर आप को इसके ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए, तो आप एक बार में 2 टी बैग भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप इसे एक ही टी बैग यूज करें, और साथ ही आप इसे 2 से 3 बार इनफ है, उससे ज़्यादा इसके लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसमें लिखा हुआ है कि आप इसे विदाउट मिल्क ही कंज्यूम करें तो बहुत ही अच्छा है। जी हाँ, आप ग्रीन कोई भी टी हो उसे आप विदाउट मिल्क ही लें। तो ये थे इस टी के बारे में सारे डिटेल जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स जो हैं वो कमाल के हैं। अब मैं देखती हूँ ये टी तैयार हुआ है कि नहीं। लगभग अभी 2 मिनट हो गए होंगे। आपको बहुत ही माइल्ड फ्लेवर मिलेगा अगर आप इसे 2 से 3 मिनट के अंदर
पीते हो तो, और आप इसे 5 मिनट तो रखें, ताकि क्या होता है उससे इसके सारे बेनिफिट्स जो है वो अच्छे से पानी में डिजोल्व हो जाएंगे, और आप जब कंज्यूम करेंगे तो आपको वो सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। फ्लेवर इसका बहुत ही कमाल का है, इसमें आपको हल्की सी स्वीटनेस भी मिल रही है, साथ ही पिपरमिंट का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुलेठी भी अगर आपने कभी टेस्ट किया हो तो मुलेठी में भी हल्की सी स्वीटनेस होती है, अगर नॉर्मली कफ एंड कोल्ड होता है तो हम लोग क्या करते हैं मुलेठी भी चूस लेते हैं, तो तुलसी के साथ इसमें मुलेठी का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही अच्छा है। और हल्का सा जो पिपरमिंट का फ्लेवर डाला गया है वो उससे बहुत ही रिफ्रेश सा फील होता है पीने के बाद। तो इसे जैसे ही आप पीते हैं तो सारे फ्लेवर आपके मुंह में इधर उधर स्प्रेड होने लगते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इसे पीने के बाद। मुझे तो इसे पीने से बहुत ही मजा आता है। चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं वो आपको जरूर बताती हूँ कि आप भी उसे एक बार पी कर देखें, और हमारे फैमिली में भी सब लोग इस चाय को पी रहे हैं, तो बहुत ही कमाल की चाय है। आप एक बार जरूर टेस्ट करके देख सकते हैं, मंगवा लीजिए। आप अमेजोन में आपको इजिली मिल जाएगा, आपके पास के स्टोर में भी ये सारी चीज़ें जो चाय हैं वो आपको इजिली मिल जाएंगी, तो जो सभी फ्लेवर आपको पसंद आए वो भी आप ले सकते हैं। साथ ही मैं तो आपको अभी सजेस्ट करूँगी कि अभी विंटर जो चल रहा है उसमें आप तुलसी मुलेठी वाली ये चाय जरूर पीजिए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है और कफ कोल्ड को भी होने से रोक रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा इस चाय के लिए छोटा सा रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।